काव्या का फोन ट्रेस हो गया। उसका फोन स्विच ऑफ होने से पहले उसके फोन की लोकेशन उसके घर के आसपास की ही थी। घर के पास उसने मोबाइल की स्विच ऑफ की? पता नहीं। ठीक है, थी वो अग्नि। मॉम आप कब तक ऐसे चलते रहोगे? प्लीज बैठ जाइए ना। मम्मा आप प्लीज बैठिए ना। आप इतना स्ट्रेस क्यों ले रही हो? आपको पता है ये पहली बार नहीं हुआ है। पापा ऐसे कितनी बार बिना बताए गए हैं। कोई अर्जेंट काम आ गया होगा, कोई सर्जरी होगी। जीजू आप समझाए ना इन्हें। मॉम अनन्या ठीक बोल रही है, आप प्लीज थोड़ा रेस्ट कीजिए, मत लीजिए टेंशन इतनी। पता नहीं मुझे बहुत घबराहट हो रही है, पहली बार ऐसा लग रहा है जैसे कुछ बुरा होने वाला है। मॉम आप बहुत ओवर ड्रामेटिक साउंड कर रही हैं, और आपके इस तरह टहलते रहने से डैड वापस नहीं आ जाएंगे। अरे एक मिनट मॉम, आप रात भर से सोई नहीं हो ढंग से, आपने कुछ खाया नहीं है, आप इतनी टेंशन क्यों ले रहे हो? आपका शुगर लो हो जाएगा, प्लीज ट्राई अंडरस्टैंड। हाउ स्वीट। उनकी बेटियां हैं उनकी फिक्र करने के लिए। कुछ पता चला डैड का? नहीं मॉम। मॉम मुझे लगता है कि हमें पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए। क्यों, ऐसे क्यों कह रही हो? तुमसे उनकी बात हुई थी ना, कुछ कहा था तुमसे? कोई प्रॉब्लम में है क्या वो? नहीं मॉम, मैं तो ऐसे ही सोच रही थी कि हमें हमें पुलिस को बता देना चाहिए। पागल हो गई हो या दिमाग खराब हो गया है? डैड सिर्फ एक रात के लिए वापस नहीं आए हैं, और ऐसा कई बार हुआ है। तुम लोग तो ऐसे रिएक्ट कर रहे हो जैसे कभी वापस ही नहीं आएंगे वो। हाँ रिया। मॉम मेरा मतलब है हमें बात को ज्यादा नहीं बढ़ाना चाहिए। मैं बस इतना ही कहना चाहती थी, वो वापस आ जाएंगे और आने के बाद उन्हें ये सब पता चलेगा, वो भी नाराज होंगे। लेकिन दी समझने की कोशिश करो अग्नि, मैं जानती हूँ तुम उनसे बहुत ज्यादा प्यार करती हो, लेकिन जो बात है नहीं उसे इतना ज्यादा बढ़ाने की कोशिश मत करो। फोन कर ले, क्या पता वो कोई जरूरी बात करने आई हो। इस वक्त मेरी जिंदगी में और भी बहुत जरूरी काम है। थी क्या बात है? थी काव्या का कल रात से कुछ पता नहीं है। तभी तो कल रात को काव्या के लिए फोन किया था। हो सकता है वो अपने फ्रेंड के घर। नहीं दीदी, वो ना ही अपने किसी दोस्त के साथ है, ना ही अपने घर पे, और उसका फोन भी स्विच ऑफ। जीजू कहाँ? बाहर गए हैं। मैं कॉल करता। हेलो जीजू। हाँ भाइयों। जीजू कल रात से काव्या का कुछ अता पता नहीं। क्या पता नहीं मतलब? ना उसका फोन मिल रहा है, ना ही वो किसी दोस्त के घर है, और ना ही वो घर पे है। जीजू ऐसे कहाँ जा सकती है? तुमने निर्जा काकी को पूछा कि वो कहाँ जा रही है, किसके साथ जा रही है? नहीं, वो निर्जा काकी को सिर्फ यही बोल के गई है कि वो मेरे साथ जा रही है, लेकिन मैं कल रात से नहीं मिला काव्या से। ऐसे कहाँ चली गई वो? कहीं कोई सीरियस प्रॉब्लम ना हो जाए भाई। पता नहीं चीजू, बहुत टेंशन हो रही है। क्या हम पुलिस में रिपोर्ट कर सकते हैं? ठीक है, तुम डायरेक्ट पुलिस स्टेशन पहुँचो, मैं वही मिलता हूँ। ओके ठीक है, मैं आपको थोड़ी देर में पुलिस स्टेशन मिलता हूँ। ठीक है, ओके। समझने की कोशिश करो अग्नि, मैं जानती हूँ तुम उनसे बहुत ज्यादा प्यार करती हो, लेकिन जो बात है नहीं उसे इतना ज्यादा बढ़ाने की कोशिश मत करो। आई होप डैड की सच में कोई बात ना हो, आप बिल्कुल ठीक हो, लेकिन फिर बार बार मुझे ऐसी बेचैनी क्यों हो रही है?
क्यों ऐसा लग रहा है कि आप किसी प्रॉब्लम में हैं? मुझे पुलिस के पास जाना चाहिए। अग्नि, क्या सोच रही हो? चीजू, मैं पुलिस स्टेशन जा रही हूँ। अग्नि, मुझे पता है तुम परेशान हो, लेकिन तुमने सुना नहीं, आर्या ने मना किया है पुलिस स्टेशन जा। चीजू, मैंने घर में किसी को नहीं बताया, मैं नहीं चाहती कि घर में कोई भी परेशान हो। और सच तो ये है कि ठाट बहुत टेंस थे जब वो पार्टी को बीच से छोड़ के गए। इनफैक्ट जब मैंने उन्हें रोका ना, तो उन्होंने मुझे डांटा भी। डैड ने तुम्हें डांटा? फिर तो जरूर वो किसी परेशानी में होंगे, है ना? मैं भी यही सोच रही थी, क्योंकि डैड ने मुझे कभी जिंदगी में नहीं डांटा है। और भी कुछ हुआ था उस दिन? क्या? वो मैं अभी आपको यहाँ पे नहीं बता सकती, उसके लिए हमें पुलिस स्टेशन जाना होगा। चलिए अग्नि, लेकिन तुम्हारी दी चीजू, अगर आप चल सकते हैं तो चलिए, नहीं तो वरना मैं तो जरूर जाऊंगी। ओके, चल चल। किसे फोन कर रहा है? काव्या को। अरे सर, इंस्पेक्टर प्रकाश से मिलना है, कब तक आएंगे? अरे वकील साहब, आप बसा बसा, साहब आते हैं तो मिलवा देता हूँ। इंस्पेक्टर कहाँ है? मुझे उनसे मिलना है। एक्चुअली प्रकाश इंस्पेक्टर, मैं अग्नि अवस्थी, डॉक्टर वीरेंद्र अवस्थी की बेटी। उन्हें कौन नहीं जानता, मैं तो आपको भी जानता हूँ। इंस्पेक्टर साहब से मिलना है ना, आइए मैं मिलवा देता हूँ, आइए। थैंक यू सर, ये आपसे मिलना चाहती हैं। इंस्पेक्टर, मैं अग्नि अवस्थी, डॉक्टर वीरेंद्र अवस्थी की बेटी। डॉक्टर वीरेंद्र अवस्थी जी, बैठी बैठी। बोलिए अग्नि जी, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? मुझे मिसिंग कंप्लेंट लिखवानी है। मिसिंग रिपोर्ट? किसकी? मेरे डैड की। चीजू, एक घंटे से वेट कर रहे हैं, कितना वेट करना पड़ेगा? वायु, ये पुलिस कोर्ट कचहरी में इंसान के चक्कर ज्यादा लगते हैं और काम कम होता है। इंस्पेक्टर आ जाएंगे थोड़ी देर में, वेट कर लेते हैं। एक्सक्यूज मी, वो आपके ऑफिसर कब तक आएंगे? अरे आपको बताया ना, 100 काम होते हैं साहब को, जब आएंगे आपको बता देंगे। बैठिए आप। हेलो काकी, काफी वापस आई क्या? नहीं आई, मुझे बहुत डर लग रहा है। ठीक है, आप परेशान मत होइए, मैं यही हूँ, मैं देख रहा हूँ। और बीच पार्टी से डैड चले गए, उन्हें बार बार किसी का कॉल आ रहा था। लेकिन अभी तो उनको गायब हुए 24 घंटे भी नहीं हुए, तो 24 घंटे से पहले हम मिसिंग कंप्लेंट नहीं लेते। आई नो इंस्पेक्टर, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे डैड किसी ना किसी मुसीबत में। और आपको ऐसा क्यों लग रहा है? एक रिकवरी एजेंट मुझे परेशान कर रहा है, उसने मुझे चैलेंज किया था कि वो किसी ना किसी हालत में मेरे डैड की कार सीज करके रहेगा। जब मैंने लास्ट टाइम डैड को कॉल किया था तो वायु ने उनका फोन उठाया था। वायु? कौन वायु? वही रिकवरी एजेंट। इंस्पेक्टर, मुझे लग रहा है कि
उसी ने डैड के साथ कुछ ना कुछ किया है। रिकवरी एजेंट तो क्या, अगर किसी ने भी डॉक्टर अवस्थी को जरा सा भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो मैं उसे रुला दूंगा। डॉक्टर अवस्थी ने बहुतों का भला किया है, और उनके साथ किसी ने बुरा किया तो मैं डैड को ढूंढ लीजिए प्लीज। आप चिंता मत कीजिए, मैं पूरी फोर्स लगा दूंगा। थैंक यू सर। जब मैंने तुम्हें इंस्पेक्टर के बारे में पूछा तुमने कहा राउंड अप पे गए, तो ये कौन है? झूठ बोलते शर्म नहीं आती तुम्हें? अरे वकील साहब, तुम जाओ जो। ओके सर। ए वकील साहब, इस पर इतना क्यों चिल्ला रहे? देखो, जैसे चोर चोर मोसेरे भाई होते हैं, ठीक वैसे ही वकील और पुलिस वालों का भी तो चोली दामन के साथ होता है ना। अब अपराधी को पकड़ना हमारा काम और उसे छुड़वाना आपका। इंस्पेक्टर, वो एक्चुअली मिसिंग कंप्लेंट लिखवाने आए। मेरे होने वाली वाइफ काव्या, वो कल रात से मिसिंग है। कल रात से? जी। तो फिर आज रात आना। वकील साहब, आपने इन्हें बताया नहीं कि 24 घंटे से पहले मिसिंग रिपोर्ट नहीं लिखी जाती? बेकार में आके आपने पेट्रोल बर्बाद कर दिया। इंस्पेक्टर प्लीज, अर्जेंट है। देखिए, अब आपने प्लीज बोल दिया तो अब तो कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। ऑफिशियली ना सही तो अनऑफिशियली सही। ढूंढते तुम्हारी काव्या को। थैंक यू। डैड, डैड की कार? लगता है डैड पुलिस स्टेशन में। हाँ, वो यही है। वो आपको गाड़ी दिख रही है? उस गाड़ी में कौन आया था, आप मुझे बता सकते हैं? वो उनकी गाड़ी है। भाई मेरे डैड का है। मुझे नहीं पता। तुम्हें नहीं पता? तो मेरे डैड की कार तुम्हारे पास क्या कर रही है? और उनके फोन पर तुम्हारी आवाज कैसे आई? मैं तुम्हारे घर गई थी, तुम पूरी रात घर पे नहीं थे ना? मेरे डैड के साथ थे ना तुम? बोलो, अग्नि कल रात में किसी के साथ नहीं था। एक सुनसान जगह पे उनकी गाड़ी खड़ी थी और उसी में उनका मोबाइल भी था। और डॉक्टर अवस्थी वहां नहीं थे। ट्रस्ट मी अग्नि। तुम झूठ बोल रहे हो। मैं झूठ नहीं बोल रहा। ए, तू बता दे वरना ना। वरना क्या? ना क्या? वायु, मेरे डैड कहां हैं? एक मिनट, एक मिनट, क्या हो रहा है ये सब?
मैडम क्या प्रॉब्लम है? इंस्पेक्टर, ये वही है जिसके बारे में मैं आपको बता रही थी। यही था पार्टी में जो मेरी डैड की गाड़ी सीज कराने की बात कर रहा था। इसी ने मुझे चैलेंज किया था कि मेरे डैड की कार किसी ना किसी तरीके से सीज करवा के रहेगा। यही मेरे पीछे पड़ा हुआ है। मुझे लगता है किसी ने मेरे डैड के साथ कुछ ना कुछ किया है। अरे ये तुम क्या कह रही हो? वायु खुद परेशान है, कल रात से उसकी होने वाली बीवी मिसिंग है और हम लोग यहाँ उसी की रिपोर्ट लिखवाने आए हैं। आप चिंता मत कीजिए मैडम, हमने अच्छे अच्छों का मुंह खुलवाया है। लावणे, लेके जा इसको। चला। डोंट वरी, मैंने सब देख लिया है। राइट, मुझे बहुत फिक्र हो रही है। वीरेंद्र आ जाएगा भाभी, आप परेशान क्यों हो रहे हो? उन्होंने कभी ऐसा कुछ किया नहीं। अरे गया होगा किसी काम से। अग्नि पीछे कर ली अपने मन की। ओह रियली, पुलिस कंप्लेन? मेरे मना करने के बावजूद दी, इस समय मेरे लिए किसी भी बात से ज्यादा डैड इम्पोर्टेंट है। हमारे लिए नहीं, बच्चों जैसी हरकतें क्यों करती हो अग्नि? अगर ये बात मीडिया में या प्रेस में लीक हो गई तो सोच सकती हो कितना बड़ा हंगामा होगा, सब लोग कितनी तरह की बातें बनाएंगे। लेकिन अग्नि ने जो कुछ भी किया बिल्कुल सही किया है। इस घर में कभी अग्नि की गलती किसी को दिखाई दी है जो आज दिखाई देगी? लोग 100 तरह की बातें बनाएंगे। हॉस्पिटल में स्टाफ में सिर्फ बातें ही तो होंगी, उससे ज्यादा और हो भी क्या सकता है? मैं ही गलत हूँ आपके लिए। दी, हम ऐसे चुपचाप भी तो नहीं बैठ सकते ना। अग्नि, इतनी बड़ी बात नहीं है जितना बड़ा तुम उसे बना रही हो। डैड दूध पीते बच्चे नहीं है जो उन्हें गोदी में उठा के कोई ले जाएगा। वो आ जाएंगे वापस, और कई बार ऐसा हुआ भी है, वो बिना बताए काम से बाहर गए हैं ना मां। आर्या, आर्या से मत बोलो। पहले की बात में और अब की बात में अंतर है। जहाँ बोलने के लिए मना किया जाए ना, वहाँ मुंह नहीं खोलना चाहिए। आर्या, किस तरह से बात कर रही हो तुम? आर्या बेटा, इतना गुस्सा मत हो। अग्नि ठीक ही तो बोल रही है। आर्या, पहले फैमिली में डिस्कस कर लेते, उसके बाद पुलिस स्टेशन जाते। और अंकल, मैं बहुत परेशान हूँ पापा को लेकर, वो पता नहीं कहाँ होंगे। ज्यादा गुस्सा, ज्यादा परेशानी और ज्यादा खुशी, ये वो वक्त होता है जब इंसान इमोशन में बहकर गलत कदम उठा लेता है। तुम लोगों को मुझे बताना चाहिए था, मैं करता अपने तरीके से कुछ।
अंकल प्लीज ट्राई कि मीडिया और प्रेस में ये बात ना जाए। बेटा अब तीर कमान से निकल चुका है, बट डोंट वरी, मैं ट्राई करूंगा। और हाँ, तुम लोग अपना ख्याल रखो, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, वीरेन बहुत जल्दी वापस आएगा। प्लीज अंकल। भाई साहब प्लीज कुछ कीजिए, हमें तो ये भी नहीं पता किसके पास जाना चाहिए, किससे बात करनी चाहिए। भाभी जी मैं हूं ना, मैं पक्का कुछ करूंगा, डोंट वरी। आप मुझे इजाजत दीजिए, मुझे जाना है। अच्छा बच्चों लोग ख्याल रखो, टेंशन नहीं। हाँ भाई, मैंने सुना था कार्तिक का साला बड़ा हाईफाई इन्वेस्टमेंट बैंकर बन गया। सर वो जो ऐसे वो प्लेट में प्याली रख के करके कॉफी पीते हैं, वो उसे सॉसर कहते हैं गधे। श्योर सर। तो कॉफी पीते पीते कटिंग चाय कैसे बन गया? बस किसी पैसे वाले की मेहरबानी थी। तेरे गजेंद्र वाले कांड के बारे में पता है मुझे, अब तो ये बता इस कपले में तूने पैसे बनाए नहीं या बचाए नहीं जो तेरी ये हालत हो गई। सही कहा आपने, मैं ये बात तो भूल ही गया था कि पैसे बनाने और पैसे बचाने के लिए तो आप अपना ईमान तक बेच देते। साला टेढ़ा आदमी टेढ़ा जवाब ही देता है। अगर आप लोगों की मस्करी खत्म होगी तो मैं जाऊं यहां से। इतनी जल्दी भी क्या है, कार्तिक का साला हमारा साला। चल बता, डॉक्टर अवस्थी का मोबाइल, उनकी गाड़ी तेरे पास कैसे आई? मैं 100 बार बता चुका हूं, एक बार और सी। मैं उनकी गाड़ी रिकवर करने गया था, उनकी गाड़ी महालक्ष्मी रेस कोर्स के आगे गली में खड़ी थी, डॉक्टर अवस्थी नहीं थे उसके अंदर। गाड़ी खुली थी या बंद? गाड़ी बंद थी, मैंने मास्टर की यूज की थी और उसी गाड़ी के अंदर उनका मोबाइल फोन पड़ा था, बस मुझे इसके अलावा और कुछ नहीं पता। Subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Ishara.